हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। करवा चौथ को हम सब फेस्टिवल के जैसे मनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सरगे खाते हैं। कथा करने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। सब मिलके सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड कहानी सुना रही है राजस्थानी में। करवा चौथ माता की कहानी के साथ साथ विनायक महाराज की कहानी भी सुनाई जाती है। बोली के रास्ते में कोई भी मिले उनके पगार लग भी चाहिए और जीने से जो तुमने सुहाग को आशीष दे उन्हें सोने को टका देकर पल्ले की गांठ लगा दे। रास्ते में सब थाली में एक लोटा पानी का, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, सुहाग को आशीष को पैसे, साड़ी, सूट वो रखा जाता है जिसको हम बायना बोलते हैं। कहानी पूरी हो गई है, अब सूर्य देव को अर्घ देंगे। पानी का लोटा जो भरकर रखा था, चांदी की अंगूठी और जो चावल के दाने हमने हाथ में लेके कथा सुनी थी उसके साथ अर्घ दे दिया है। अब थोड़ा सा फोटो सेशन होगा और उसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे। अब हम मंदिर आ गए हैं। टाउनशिप का मंदिर बहुत ही सुंदर है, आप देख ही रहे होंगे। कुछ लेडीज आ गई हैं और कुछ आनी बाकी हैं। पहले सबसे मिलना जुलना होगा और उसके बाद पूजा होगी। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह की ड्रेस पहनती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं। हमारे में साड़ी के ऊपर या तो पीलिया या चुनरी उड़ी जाती है, तो मैं चुनरी ओढूंगी। शाम के 5 बजे हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है। ये चौथ माता की हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मिट्टी की चौथ माता बना रखी है। यहाँ पे भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पैसे चढ़ाते हैं। माता के श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। माता को तिलक लगाते हैं और खुद को भी। इसके बाद पंडित जी पूरे विधि विधान से पूजा करवाएंगे, कथा सुनाएंगे। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा नात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम महाया देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा पुरारे त्रिपुरांतकारे बाधुस्तते भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रस्त निराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दीपक जला दीजिए, उसी दीपक को नमस्कार करिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुस्तव्राण समुखान अग्नि रजायत। पानी लाए हो तो संकल्प रखते हैं पहले। दूसरी कथा इसमें ले सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर छन्नी से उसे दिखा दिया। जब उसे छन्नी से दिखाया तब उसे लगा कि चांद है। उसने बिना उसने अर्घ देकर दिए को ही उसने खाना ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया और बाकी भाभियों ने उसकी भोजन नहीं ग्रहण किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाइयों ने इन नकली चांद बनाया। एक बार घुमा लेते हैं, है ना, एक बार घुमा लो। पानी पी
अब फिर से फोटो सेशन शुरू हो गया है। रात के 9 बज गए हैं, चांद निकल गया है, चांद को अर्घ भी दे दिया। आप सब मिलकर खाना खाएंगे। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।